हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अचानक ही मंडला और डिंडोरी के औचक निरीक्षण पर निकले तो उन्हें कई खामियां मिली। उन्होंने इस दौरान कई अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित भी किया। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा दौरा रहेगा। उन्हें जबलपुर होकर ही छिंदवाड़ा जाना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जबलपुर में भी मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण कहीं भी हो सकता है। सीएम के आने को लेकर जिले के अफसर अलर्ट मोड में है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण पर आने की खबर के बाद सभी योजनाओं में क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिला अस्पताल सहित अन्य विभागों में दिन भर फाइलें दुरुस्त होने का काम चलता रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस आयुष्मान योजना के कार्ड बनवाने में है। इस कारण इस आयुष्मान हितग्राहियों के कार्ड बनाने संबंधी प्रक्रिया जारी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जबलपुर एयरपोर्ट से होते हुए छिंदवाड़ा जाना है। ऐसे में संभावना यह भी जताई जा रही है कि जबलपुर में एयरपोर्ट आने के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक ही जिले का भी निरीक्षण कर सकते हैं। अधिकारी किसी भी तरह की गलती करने को तैयार नहीं है। औचक निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर ही लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।